आज भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने विपक्षी एकता द्वारा गठबंधन का नामकरण इंडिया किए जाने को लेकर विपक्षी दलों पर जोरदार प्रहार किया और कहा कि इंडिया नाम रख देने से कुछ नहीं होता, कई संगठनों के नाम में इंडिया लगा हुआ है लेकिन वह जनहित के खिलाफ काम करते हैं। ऐसे में इंडिया नाम रख लेने से विपक्षी एकता को कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। हारे हुए, थके हुए, निराश लोग जिनका एकमात्र उद्देश्य है मोदी विरोध, न बहस चाहते हैं, न चर्चा चाहते हैं, न संवाद चाहते हैं, वो सच्चाई रख दिया। और जिस इंडियन इंडियन के नाम की बड़ी तारीफ कर रहे हैं, तो प्रधानमंत्री ने क्या कहा? इंडियन नेशनल कांग्रेस, ईस्ट इंडिया कंपनी, इंडियन मुजाहिदीन, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, तो भी तो इंडियन है। चेहरे पे चेहरे रहते हैं लोग। आज प्रधानमंत्री की टिप्पणियों ने हमें बहुत अधिक प्रेरित किया है और उनका सबसे अच्छा शब्द लगा, जो भोर होती है ना उसमें चेतना जागृत होती है। तो 24 हम जीतेंगे, निर्णायक जीतेंगे। आई एम वेरी प्राउड ऑफ माय प्राइम मिनिस्टर। सर, लगता है कि आपको उनके लक्षण से कोई संकेत दिखाई पड़ता है क्या? मुझे बता दीजिए, उनके दिल में कोई भी सत्ता में आने की कुबत है क्या? सत्ता में आने के लिए जिम्मेवारी चाहिए, सत्ता में आने के लिए प्रेरणा चाहिए, सत्ता में आने के लिए देश में आशा जगाना चाहिए। इनका रिकॉर्ड बस वही है, कुछ नहीं हो सकता, और जनता इनको चाहती नहीं, तो रहने दीजिए। अब उनको एक बात मैं भी आज कह देता हूँ, नोट कर लीजिए, जब 24 में हम लोग मिलेंगे ना रिजल्ट के बाद, उनकी संख्या और कम रहेगी। वहीं पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने अपराध मामले को लेकर नीतीश सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा कि चाहे बेगूसराय में नाबालिग को निवस्त्र कर पीटने का मामला हो या मुजफ्फरपुर में 3 लोगों को एक साथ गोलियों से भून देने का मामला हो, सभी मामले में शासन और प्रशासन की भूमिका पर सवाल खड़े होते हैं। पूरे बिहार में आपराधिक वारदातें लगातार हो रही हैं और बिहार अपराध की आगोश में चला गया है, जिसके चलते जनता त्राहिमाम है। देखिए, बिहार में बेगूसराय में बालिका को निर्वस्त्र करना सरेआम, एवं मुजफ्फरपुर में एक प्रॉपर्टी डीलर के साथ साथ 2 व्यक्तियों की हत्या का मामला थमा नहीं था कि पूरा बिहार आज अराजकता के गोद में समा चुका है। बिहार में सीतामढ़ी, पूर्णिया में एक दवा दुकानदार की हत्या, मोतिहारी एवं नौगछिया में हत्याओं का दौर चल पड़ा है और मुझे तो लगता है कि पूरा बिहार अपराधियों के आगोश में जा चुका है। सरकार कहीं न कहीं बिल्कुल पंगु हो चुकी है। इस सरकार को बिल्कुल ही शासन में रहने का अधिकार नहीं है। निश्चित तौर पर जिस प्रकार की आपराधिक घटनाएं हो रही है, सारा बिहार सहमा हुआ है। बिहार अपराधियों की गोली से थर्रा उठा है। तो इस तरह की घटनाएं कहीं न कहीं बिहार को अराजकता के गोद में डाला है। इस सरकार को बिल्कुल अब शासन करने का अधिकार नहीं है।